छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक इमारत में एसी फटने से दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि खिड़की के कांच तक टूट गए। एसी फटने से कमरे के अंदर धुआं भर गया और इसके चलते दम घुटने से अंदर मौजूद दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरिफ मंजूर खान और मशरत खान के रूप में हुई है। हादसा देवेंद्र नगर इलाके के सेक्टर 1 में हुआ है। ऑटोमेशन आर्ट ऑफिस में कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे थे, इस दौरान दफ्तर में लगा एसी अचानक से फट गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रायपुर में एसी फटने से दो लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि कमरे में लगी जो खिड़कियां थी उनके शीशे तक टूट गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह हादसा हुआ। एसी फटने से दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग झुलस गए। एसी आप लोगों के लिए जितना सुविधाजनक है, कभी कभी वो खतरनाक भी हो सकता है। रायपुर के देवेंद्र नगर के जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ, इस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण दो लोगों की मौत हो गई और दो कर्मचारी इसमें घायल हो गए। इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में ऑटोमेशन आर्ट का दफ्तर है। यहाँ पर इवेंट और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता था। इसी दफ्तर में जब कर्मचारी काम कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण अचानक से आग लग गई और तेज धुआं निकलने लगा। धुआं इतना तेज था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। आनन फानन में कर्मचारी दफ्तर के बाहर निकले, लेकिन तभी जो है बिल्डिंग की बिजली चली गई और दो कर्मचारी दफ्तर में ही फंस गए और जो डोर है वो ऑटोमेटिक डोर था, वो अचानक से लॉक हो गया। जब कर्मचारी बाहर निकले और तब तक उन्होंने बताया कि अंदर जो है बहुत तेज आग लग गई है, तब जो नीचे ये दफ्तर है जहाँ पर ये होम्योपैथिक क्लिनिक है और एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ के बच्चे बाहर निकलना शुरू कर चुके थे क्योंकि एसी का जो ब्लास्ट था वो बहुत तेज था। उन्होंने बताया कि दफ्तर में जो है दो लोग फंसे हुए हैं। तब पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। आनन फानन में यहाँ पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग पहुँचे, तब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे उठ रहे धुएं और आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं देवेंद्र नगर की पुलिस यहां पर बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकाल रही थी। दो लोग जो घायल थे उन्हें पुलिस ने सबसे पहले रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भेजा। उसके बाद लगातार यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। धुआं तेजी से उठ रहा था। लगभग आधे से एक घंटे के बाद जो है धुएं और आग पर काबू पा लिया गया। जब बिल्डिंग के अंदर फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम पहुंची तो बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे जहां पर ऑटोमेशन आर्ट का दफ्तर है वहां पर डोर लॉक था और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने दरवाजे को तोड़ा और वहां से दो जो बॉडीज थी उन्हें अस्पताल भेजा। जब अस्पताल भेजा तो डॉक्टर ने बताया कि वो दोनों मृत हो चुके हैं। तब तक यहाँ पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर जाँच कर रही थी। फिलहाल इस बिल्डिंग को यहाँ पर सील कर दिया गया है। जब फोरेंसिक की टीम पहुँचेगी तो पता चल पाएगा कि आखिर घटना किन कारणों से हुई और पूरी जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर घटना के क्या कारण थे, किस कारण से एसी में ब्लास्ट हुआ और घटना के अलग अलग तथ्यों की जानकारी लग पाएगी।